तो ऐसे हरकत तो करते ही रहते हैं, लेकिन बदमाशी भी करते थे, लेकिन बच्चे पढ़ते भी थे। चाहती हूँ लड़की लोग सबसे कि आप सब जहाँ भी पढ़ते हैं तो एकदम मन से पढ़िए और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए कि एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। और मेरा यही लक्ष्य है कि मैं आगे चलकर मैं IPS बनना चाहता हूँ, ताकि मैं पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं गांव में ही रहकर पढ़ना चाहता हूँ और माता पिता का सेवा करना चाहता हूँ और घर का काम करना चाहता हूँ, इतना ही मेरा लक्ष्य है। बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत नागर, आपका अजीत नागर ब्लॉग्स में स्वागत है। अभी हम लोग जीनियस क्लासेस के प्रांगण में हैं और उसके छत पर हम लोग उपस्थित हैं सभी विद्यार्थी के साथ। हमारे साथ जीनियस क्लासेस के डायरेक्टर नकुल सर हैं, तो चलिए हम आज इनसे जानना चाहते हैं कि आज जो यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था और बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो हम नकुल सर से जानना चाहते हैं। तो अपना परिचय देते हुए सबका परिचय करवाइए। हमारे बीच जो बच्चे एवं बच्चियों जो नंबर लाए, मैं उन सब को उत्साह बढ़ाने के लिए मैं यह कार्यक्रम रखा, ताकि बच्चे की मनोबल नीचा ना, और मैं उन मनोबल को ऊपर करने के लिए ये सब कार्यक्रम रखे थे। जैसे कि मैंने पिछले 2016 ईस्वी से मैंने कोचिंग स्टार्ट किए और मेट्रिक का जो बिहार बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो मेरे कोचिंग से जीनियस क्लासेस परिवार 2019 ईस्वी से लगातार कंटिन्यू अभी तक 2024 तक जारी है और आगे भी जारी रहते रहेंगे। और जब से 2019 से मेट्रिक पास हो रहा है, आज तक मेरे कोचिंग से लगभग बच्चे एवं बच्चों पास हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है बच्चे के लगन और मेहनत से यह चीज़ चलते आ रहा। हम लोग तो एक तरह का मार्गदर्शन दिखाते हैं, ताकि ऐसे ऐसे करना, आप लोग को वैसे करना, इस दिशा को हम लोग तो दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे अपना नाम और अंक बता दीजिए। मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास हूँ, मेरा मार्क्स 327 है। मैं एक बिजनेस क्लासेस कोचिंग में पढ़ी हूँ और आगे पढ़ती रहूँ। जोर से बोलो। मेरा नाम गौरी कुमारी है और मैं जीनियस क्लासेस का छात्रा हूँ। मेरा नाम है और मैं जीनियस क्लासेस का छात्रा हूँ। मेरा नाम रसा कुमारी है। मोट 10 मिनट में बंद करो, बंद करो। अरे 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 मेरा नाम मंगल कुमार है। बिहार बोर्ड परीक्षा में जो 414 नंबर लाकर जीनियस क्लासेस का छात्रा हूँ। मैं आगे यहाँ पर बचपन से पढ़ा हूँ और आगे पढ़ता रहूँगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं इस जीनियस क्लास से क्लास में पढ़ता था और बिहार बोर्ड में 225 नंबर लाया हूँ। ना है यही तो है हिम्मत, हिम्मत है मेरा नाम सुन कुमार है, मैं जीनियस क्लासेस में पढ़ता था और पढ़ता रहूँगा। मेरा अंक 326 है। आप लोगों ने जीनियस क्लासेस के स्टूडेंट से मिले, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इनका जो है सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है पढ़ने में, इनको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। हिंदी बहुत अच्छा। आपका साइंस? आपका हिंदी? हिंदी 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 मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सोशल साइंस। सोशल साइंस, चलिए। ये इंटर की छात्रा है मेरा सबसे अच्छा सरस्वती कुमारी, और इनसे पूछेंगे कि इंटर में इनका कौन कौन सा सब्जेक्ट था। मेरा इंटर में सब्जेक्ट सोशल हिस्ट्री साइकोलॉजी और हिंदी था, और मेरा सबसे पसंदीदा विषय हिंदी और हिस्ट्री था। आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी, मैथ और सोशल साइंस। मेरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है हिंदी, सोशल साइंस और हिंदी हमको पसंद है। हिंदी
तो हम नकुल सर से जानना चाहेंगे कि इसमें से आपके जो स्टूडेंट है सबसे बदमाशी कौन करता है? वैसे तो कहा जाए कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चे तो ऐसे हरकत तो करते ही रहते हैं, लेकिन बदमाशी भी करते थे, लेकिन बच्चे पढ़ते भी थे। अगर जो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं ना, तो वाकई में मैं कहना चाहता हूँ वो बच्चा मन तन धन और लगन से पढ़ाई करते हैं। ये मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखे हैं कि जो बच्चा बदमाशी करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़के हो, सबको वही देखते हैं। जो बदमाशी करते हैं पढ़ने में भी माहिर है, ऐसा बात नहीं है वो बदमाशी करने में मतलब तेज तर्रार है, पढ़ने लिखने में तेज तर्रार नहीं है। ऐसा हमको पिछले 5 सालों से देखने को मिल रहा है कि बच्चा जो बदमाशी कर रहा है वो पढ़ने में भी ठीक ठाक है। अच्छा, बच्चा तो कुछ कुछ ऐसा भी होता है पढ़ाई कम हो रहा है, तो हमारे कोचिंग में या किसी भी कोचिंग संस्था में ऐसा बच्चा सभी को मिलता है जी। तो आपके कोचिंग का जो टॉपर है, क्या नाम है आपका? मंगल कुमार। तो मंगल कुमार, आप बताइए कि जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देंगे 2025 में, तो आपके जैसा कैसे रैंक लाए, तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, जोर से थोड़ा बोलिए। जीनियस क्लासेस का मैं छात्रा हूँ, जो कि 414 नंबर लेकर पास हुआ हूँ 2025 के मैट्रिक परीक्षा में। इससे अच्छा वैसी करने का छात्राएं प्रयास करेंगे, ताकि इस कोचिंग का नाम रोशन हो और गांव का नाम भी रोशन हो। आप कितने घंटे पढ़ते थे? वैसे कहा जाए तो पढ़ाई उतना घंटे तो नहीं पढ़ते, सिर्फ मेकअप करते जी। मतलब नॉर्मल या 3 से 4 घंटा अगर पढ़ाई करे तो विद्यार्थी आपके जैसा रैंक ला सकता है अगर मेकअप करे तो जी। तो हम जानना चाहते हैं कि सरस्वती जी से, क्या आप बताइए कि लड़कियों के जो समाज में शिक्षा का अभी है बहुत कम है, तो लड़कियों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करे? मैं जीनियस क्लासेस की छात्रा हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक कहीं पर भी पढ़िए, एक स्थान पर पढ़िए और मेहनत करिए, और अपना मेहनत एक दिन जरूर रंग लाता है। और अपना और मैं कहना चाहती हूँ लड़की लोग सबसे कि आप सब जहाँ भी पढ़ते हैं तो एकदम मन से पढ़िए और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए कि एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, और अपना कोचिंग का नाम करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मैं ये कहना चाहती थी। धन्यवाद। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम उतना तो नहीं करते थे, लेकिन हम रात में 2-3 घंटे और सुबह में भी 2-3 घंटे पढ़ते थे। जैसे कि सर ने बोला कि आप यहाँ पढ़ाते भी हैं। हाँ। तो आप कैसे मेकअप करते थे कि आप पढ़ाना भी है और खुद पढ़ना भी है? हम पढ़ाते भी थे और इससे टाइम निकाल के अपना भी पढ़ते और बच्चे सबको भी पढ़ाती थी। तो आप जिंदगी में क्या बनना चाहती हैं? आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य यही है कि हम बच्चे सबको पढ़ाएं और अपना भी पढ़े और आगे कुछ करें। यानी टीचर बनना चाहती हैं? टीचर, हाँ, टीचर बनना चाहती जी। तो हम सभी से जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य बताइए सभी। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं आप? मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं जितना नंबर लाई हूँ मेरे से ज्यादा मैं टीचर बनूंगी, तो मेरे से ज्यादा मेरा बच्चा सब नंबर। बहुत अच्छा, बताइए बताओ। बोलिए आप क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ जी। बहुत अच्छा, आपकी यही है। बहुत अच्छा है, मैं कि डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो हम मंगल कुमार से जानना चाहेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा यही लक्ष्य है कि मैं आगे चलकर मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, ताकि गांव का नाम भी रोशन हो, समाज का नाम भी रोशन हो। नहीं, मैं गांव में ही रहकर पढ़ना चाहता हूँ और माता पिता का सेवा करना चाहता हूँ और घर का काम करना चाहता हूँ, इतना ही मेरा लक्ष्य है। बहुत अच्छा, देखिए कि इन लड़का का जो है लक्ष्य है कि अपने माता पिता का गांव में ही रहकर सेवा करना है। बहुत अच्छा, अच्छा इंसान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम जीनियस क्लासेस के स्टूडेंट से बातचीत किए।
तो आप इसी तरह तरीके से हमारा वीडियो देखते रहिए, हम आगे भी वीडियो लेते लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।